गैया चराने जाते हैं। अब गैया चराकर पहला दिन है, भगवान वापस लौट रहे हैं शाम के समय। पूरे दिन वो काम किए हैं, आज थक गए, बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो रास्ते में गोपियां भी माखन दूध दही बेचने जाती थी, तो रोजाना तो जरूरी नहीं कि हर हांडी बिक जाएगी, तो वो गोपियां भी घर आ रही है। तो भगवान देखते हैं, अब उनको लग रही भूख, भगवान कहते अरे गोपी एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती तुझे नहीं देंगे, और तू है कौन, हमें तो लगता भी नहीं तू नंद बाबा यशोदा मैया का बेटा है। भगवान का रंग सांवला था और यशोदा मैया नंद बाबा बलदाऊ भैया तीनों का रंग गोरा था, तो इसी को लेकर गोपियां कहती थी कि तेजो तो उठा कर लाए, तू इनका बेटा नहीं है। और भगवान को इस बात पे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि भगवान ने उठाए पत्थर और सारी हांडियां फोड़ दी, फोड़ दी। तब सब सर पे रखी थी, सब नीचे गिर गई, दूध दही माखन। गोपियां कहती आज यशोदा मैया से कहेंगे, बड़ा कहती थी सबूत लेकर आओ, सबूत लेकर आओ, हम पागल तो है नहीं कि अपनी हांडियां अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। भगवान सोचते हैं कि अगर सच में ये इस अवस्था में चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो गोपियां तो वो धीरे धीरे कपड़ा ठीक करते हुए जा रही है, भगवान कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते हैं। और घर जाने से पहले अपनी बंसी बाहर ही छोड़ कर गए, मिट्टी में लोटपोट हो गए, श्रृंगार बिगाड़ लिया, मुकुट टेढ़ा कर दिया और घर में रोते रोते घुस रहे हैं, जैसे किसी ने कितना मारा है। अब विचार करिए कौन देख रहा है ये दृश्य, यशोदा मैया, जो पहले तौर पे चाहती नहीं थी कि ये बाहर काम करने जाए, कि पूरे दिन भूखे रहे इस अवस्था में। उसने जैसे ही दरवाजा खोला कि भगवान का ये दृश्य, उनका तो मानो कि हृदय मुख में आ गया। अरे किसने कर दिया, किससे झगड़ा हुआ, मैंने पहले ही कहा था नहीं जाने को। भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं।